बीरल सिंह की पहली बीवी सरदारी बेगम और दूसरी जुलेखा सैन के बीच। शायद इस हंगामे से दूर रखने के लिए आपको ये कोने वाला कमरा दिया है। बीरल सिंह की मुझसे पहले भी दो शादियां, मुझे तो सिर्फ एक का पता था, तीसरी मुझसे। मुझे क्यों? मर्द का दिल है जी, जिस पर आ गया सो आ गया। मेरी बेबे कहती थी, मर्द और मस्त घोड़ा कभी भी बिदक सकते हैं। कभी मर्द के दिल का भरोसा ना करना, किसी वक्त भी पलट सकता है। शायद ठीक ही कहती थी तेरी बेबी। अब कहाँ है वो? अल्लाह मियाँ के पास जी। पहले वो भी यही नौकरानी थी सरदारी बेगम की, उससे पहले मेरी नानी भी इसी हवेली में काम करती थी। हम तो जद्दी पुश्ती गुलाम है जी इस हवेली के। पता चल गया मुझे। शायद इसीलिए तुम्हारे दिलो दिमाग से आगे गुजर के तुम्हारी रूहों को भी जकड़ लिया है इस गुलामी ने। कुछ चाहिए आपको? मैं जाऊं? ठीक है सर, मैं आसपास के गांव देहातों में भी वायरलेस करवा देता हूँ। अच्छा सर, इतनी बड़ी चोरी की वारदात हुई है, कोई तो गवाह वगैरह जरूर होगा। असगर, अगवा तो सारे उसी डब्बे में थे जो गड्डी मुल्तान चली गई है। और ये बाऊ आ गया हमारे पास रिपोर्ट दर्ज कराने। खैर, बंदा चाहिए मुझे। सारा सामान उसके पास है, बड़ा माल बताया उसने। शरीफे शरीफे, तेको कितनी बारी आखे सा हौला लगा कर और पैर धीमे रखा कर। सर जी, नए एएसपी साहब आ गए हैं और वो वही है। क्या बकवास कर रहा, दिमाग तो ठीक है तेरा? ऐसे कौन सा कोई अफसर आ सकता है जोग से हाल में? अब बीरल साईं ने ऊपर की तरक्की का आसरा दे रखा है मुझे। और सर जी, खुदा की कसम आ गए ने एएसपी साहब। वो असगर जब देख रहा है कि आ ही गया है कोई, तो जा हवलात खोल बंदे न सा, और किसी का ना नहीं है खाते में। तो ये मुसीबत कहां से आ गई है? कैसे हो जादात? पहचान तो गए होगे तुम्हें। सब इंस्पेक्टर असगर। यस सर। मुझे थाने का रजिस्टर लाके दो और उस नाम चाह फौरन। यस सर।